मौत मुकद्दर है भाई, वो चले जाना है, हर कोई चला जाता है। माँ बाप का मर जाना बहुत बड़ा सदमा है, सदमे तो लोग भूल जाते हैं, नुकसान बहुत बड़ा है, इस नुकसान की तलाफी कोई नहीं। ये ऐसा नुकसान है, सारी दुनिया के खजाने मिलकर इसकी तलाफी नहीं करते। जब किसी शख्स की माँ मरती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे जिसकी वजह से तेरा ख्याल करता था वो मर गई, अब तू अपने अमल को ठीक कर ताकि तेरे अमल की वजह से मैं तेरा ख्याल करता रहूं, तेरा इकराम करता रहूं। ये माएं ऐसी चीज है, बाप ऐसी चीज है। ला तकुल लहुमा उफ, उफ हमारी जुबान में है जो माँ ने बुलाया, बाप ने बुलाया, ये जो नागवारी के साथ हूं है, ये वो उफ है, इस पर सारा अमल बर्बाद हो जाता है। वो जो मुस्तकिल नाफरमान हो उसके पीछे क्या होगा? सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, उसकी नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसका सदका कबूल नहीं है। ये मनफी पहलू बताया, मुस्बत पहलू, हमारे नबी जन्नत में तशरीफ ले, बाप ने कुरान की तिलावत सुनी, आवाज आ रही सॉरी जन्नत, बाप ने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है, किसकी आवाज है? कहा जी नौमान बिन हारिथा रज़ियल्लाहु अन्हु। नौमान उन छह आदमियों में है जिन्होंने नबूवत के 11वें बरस में हमारे नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा था, मीना की वादी में, छह के छठे नौमान बिन हारिथा। तो वो आपने कहा वो तो मदीने में बैठा हुआ है, जन्नत में आवाज कहां से आ रही? तो थोड़े से मजमे को सुनाने के लिए इतना बड़ा स्पीकर है, औरतों को सुनाने के लिए, मर्दों को सुनाने के लिए ये इतना बड़ा स्पीकर लगा हुआ है। नौमान के पास कौन सा स्पीकर है कि वो मदीने में कुरान खोल के पढ़ता है, सात आसमान को चीरती हुई आवाज सारी जन्नत में गूंजने लग जाती। तो फरिश्तों ने कहा जी माँ के फरमा बरदार हैं, इस सिले में उनकी तिलावत सारी जन्नत में गूंजती। वो माँ के कैसे फरमा बरदार थे? वो अपनी माँ के कपड़े खुद धोते थे, बीवी से नहीं धुलवाते थे। हम अपनी बीवियों से कहते हैं मेरी माँ की खिदमत कर, मैं फारिग नहीं, तू कर, उसके जिम्मे नहीं। जिसके जिम्मे वो कहता मैं फारिग नहीं, जिसके जिम्मे नहीं उसको रगेड़ता है कि तू कर। ये क्या करते थे? माँ के कपड़े खुद धोते थे, माँ के लिए सालन खुद बनाते थे, आटा गूंद के रोटी खुद बनाते थे, फिर नवाले बना बना के माँ को खिलाते थे, फिर उसको तेल लगाते, फिर कंघी करते, फिर जुए निकालते, फिर नौकर की तरह खड़े होकर उसके हुक्म को सुनते तामील करते। जब कोई माँ हुक्म सुनाती वो समझ में नहीं आया तो दोहराते नहीं थे, अम्मा क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया, जरा फिर से। बाहर निकलकर बीवी को बाहर बुलाते, फिर अपनी बेगम से पूछते मेरी माँ ने क्या कहा था मुझे समझ में नहीं आया। दो सहाबा के बारे में आता है सबसे ज्यादा माँ के फरमा बरदार, एक उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक नुमान बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु। अरब में कट्ठे खाने का दस्तूर है, कट्ठे अलग अलग प्लेटों में नहीं, आज भी कट्ठे खाते हैं। इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह अन्हु अपनी माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाते, और वैसे उनकी माँ की खिदमत सारे मदीना में मशहूर थी। तो एक दिन किसी ने कहा आप माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाते? कहने लगे मुझे डर लगता है कोई ऐसी बोटी ना उठा लूं जो मेरी माँ को पसंद हो और मैं खाकर अल्लाह का मुजरिम बन जाऊं, मैं इसलिए माँ के साथ रोटी नहीं खाता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फला कसाब, कसाब कसाई, हमारी पंजाबी में कसाई ये गोश्त काटने वाले बेचने वाले, कब वो तेरा साथी? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कहां? फला बाजार, ये नाम। बड़े हैरान के कसाई मूसा कलीम का साथी, बाजार गए, एक कसाई गोश्त बेच रहा है काट रहा है, और कसाइयों की तरह शाम ढली, गोश्त का टुकड़ा थैले में डाला, कंधे पे लटकाया, घर को चला, मूसा अलैहिस्सलाम साथ हो लिए। जब वो घर में जाने लगा मैं आ जाऊं, उसने पहचाना नहीं, कहा आ जाओ दोनों अंदर। उसने जाके गोश्त काटा, हांडी पे धरा, हांडी को चूल्हे पे धरा और उसको पकाना शुरू किया, फिर आटा गूंदा, रोटी पकाई, सालन पकाया,
थाली में डाला, उठाकर एक औरत लेटी हुई थी बिल्कुल बूढ़ी ज़ईफ, उसको कंधे का आसरा देके बिठाकर नवाले बना बना के उसके मुंह में डालता रहा। जब वो उसने का पेट भरा तो उसने इशारा किया बस, तो उसने उसका मुंह साफ किया, उसको लेटाने लगा तो वो बुड़बुड़ाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है, मैं सुबह जब दुकान पे जाता हूँ तो उसके सारे काम करके जाता हूँ, जब आता हूँ तो पहले इसकी खिदमत करता हूँ फिर अपने बच्चों के को देखता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कुछ कह रही थी जब तुम इसको लुटा रहे थे? कहा जी ये माँ है, माँ तो माँ ही होती है, जब भी इसकी खिदमत करता हूँ तो ये शुरू हो जाती है, अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का साथी बनाए। भला मैं कहाँ और मूसा कहाँ, मैं कहाँ किथे मूसा किथे कसाई है। ये माँ है भाई, ये माँ है। जब ये माँ बाप जब मर जाते हैं तो ये वो सरमाया है जिसकी कोई वापसी नहीं है। मर तो सब नहीं जाना है, पूछ का मकाम है, कोई नहीं ठहरा, हर एक के लिए यहाँ जाना ही तय है। हमारे चैनल लाइट टू ह्यूमैनिटी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर ले जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियोस को लाइक करें।